हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे किचन अन्नपूर्णा में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी, जिसे आप समोसा कचौड़ी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसको इसमें हम सौंफ डाल दिए हैं। इसमें सौंफ डालती है। तो ये देखिए, हमने इसमें अरारोट का घोल बनाया है। अरारोट का घोल इसमें पड़ता है और ये इमली जिसे हम भिगो कर रखे हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाले हैं और सौंफ गर्म हो चुका है ऑयल, तो सौंफ इसमें गर्म हो रहे हैं, पक रहा है सौंफ। अब हम इमली को एक बर्तन में छान लेंगे। इसके बीज को अलग करना है, इसलिए हम इसको पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने इमली के घोल को, जिसे हम सुबह से भिगो कर रखे थे, उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से उसको निचोड़ कर और हम उसका पानी निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुकी थी, अब हम इसमें इमली का पानी डाल दिए। इमली को ऊपर रखे थे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो अब हम इसमें हाफ के जी चीनी डाल देंगे। ये चीनी हम डाल दिए हैं इसमें। अब हम चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कलर डालेंगे, जिससे देखने में इसका कलर सुंदर हो जाए बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे खुशबू भी और टेस्ट भी दोनों बना रहेगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह से चीनी डालने के बाद चटनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अरारोट, जो कि हम पहले से घोल कर रखे थे, हम इसमें डाल देंगे, जिससे ये गाढ़ी और अच्छी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसकी खुशबू अब बहुत अच्छी आने लगी है अब, और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो रही है। ये देखिए गाइस, चटनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, समोसा, पूरी, कचौड़ी, किसी भी चीज़ के साथ, दही बल्ले, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। हेलो गाइस, चटनी को हमने दूसरे बर्तन में छान कर पलट लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, इससे बहुत ही टेस्ट इसकी बढ़ जाती है, अब बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हमने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से।